एक खुशहाल देश में राजा अपनी रानी के साथ रहता था। इतना खुश होने के बावजूद वे दोनों कोई संतान न होने की वजह से दुखी रहते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ सैर कर रहा था कि अचानक उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। आज से ठीक एक साल बाद राजकुमारी का जन्म होगा। तुम उसका नाम अरोरा रखना। तुम्हारी बेटी इस नश्वर दुनिया में बहुत ख्याति प्राप्त करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक। इसके बाद वह रोशनी बदले में कहीं गायब हो गई। एक साल बाद राजा के महल में शहनाइयां गूंज रही थी, क्योंकि रानी ने एक नन्ही राजकुमारी को जन्म दिया था। राजा बहुत खुश था। उसने महल में एक जश्न का आयोजन किया, जिसमें सारी प्रजा को बुलाया गया। राज्य के बाहरी जंगल में चार परियां रहती थीं। राजा ने उनमें से तीन परियों को तो आने का न्योता भेज दिया, परंतु चौथी परी को बुलाना भूल गया। एक एक करके तीनों परियां महल में उपस्थित हो गईं। आप सब परियों का स्वागत है। आप लोग मेरी बेटी को आशीर्वाद देकर हमें कृतार्थ करें। पहली परी ने नन्ही राजकुमारी को सुंदरता का वरदान दिया और फिर वह चली गई। दूसरी परी ने राजकुमारी को लंबी आयु का वरदान दिया। वह भी वहां से चली गई। लेकिन जब तीसरी परी वरदान देने लगी कि अचानक चौथी परी मल्ले फैसेंट प्रकट हो गई। वो बहुत गुस्से में थी। लगता है तुम लोग मुझे भूल ही गए, ध्यान नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, राजकुमारी को आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। ऐसा आशीर्वाद जो कि लोग बरसों तक याद रखेंगे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें ओ राजकुमारी। जब तुम होगी 16 बरस की, हो जाओगी भगवान को प्यारी। ऐसा मत करो मलेफिसेंट। मल्ले फैसेंट के जाने के बाद तीसरी परी बोली, आप चिंता मत करो राजन, मैं राजकुमारी को वरदान देकर मल्ले फैसेंट का शाप तोड़ दूंगी। ओ राजकुमारी, माना 16 बरस है तुम पे भारी। सो जाओगी तुम नींद करारी, लेकिन टूट जाएगी नींद तुम्हारी। जब एक सच्चा राजकुमार करेगा तुम्हें किस जो प्यारी। परी के जाने के बाद महल में सन्नाटा पसर गया। अब अरोरा बड़ी होने लगी। बड़ी होने के साथ साथ उसकी शैतानियां बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन सभी उसे बहुत प्यार करते थे। अरोरा महल में रहने की बजाय ज्यादातर बगीचे में ही प्रकृति में रहना पसंद करती। सोलह साल बाद राजा बहुत परेशान था, क्योंकि राजकुमारी का 16वां जन्मदिन था। माल्ले फैसेंट के श्राप को आज हकीकत में बदलना था। आप उदास मत हो, आज का दिन खत्म होने वाला है। कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारी प्यारी रानी। अभी दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी एक खबरी भागता हुआ वहां पहुंचा। एक दुखद समाचार है महाराज, महारानी के पिताजी बहुत बीमार हैं, शायद वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। पिता के बीमार होने की खबर सुनकर रानी बहुत उदास हो गई। खबरी भी वहां से वापस चला गया। राजा ने रानी को उदास देखकर कहा, हमें अभी किंग्स लैंडिंग जाना होगा। लेकिन हमारी बेटी। कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को, हमारी सेविका आर्या स्टार्क उसका अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। रानी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन आर्या स्टॉक का नाम सुनकर उसे कुछ तसल्ली हुई। उसने आर्या स्टॉक को अपने पास बुलाया और उसे राजकुमारी के विषय में कुछ सावधानियां बरतने के निर्देश दिए। रानी अब राजकुमारी की तरफ से निसंकोच थी। राजा और रानी दोनों किंग्स लैंडिंग की ओर प्रस्थान करने लगे। अगले दिन राजकुमारी बगीचे में बैठी तितलियों के साथ मस्ती कर रही थी। तभी तितली वहां से उड़ गई। अरोरा भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। उड़ते उड़ते तितली एक खंडर किले में चली गई। अरोरा भी उसके पीछे उस किले में प्रवेश कर गई। जब उसने वहां आर्या स्टॉक को देखा तो वह हैरान रह गई। आप यहां कर क्या रही हैं? और ये चीज क्या है? तुम्हें नहीं मालूम, ये चरखा है, आओ इसे चलाकर तो देखो। आर्या के कहने पर जब अरोरा ने चरखे को हाथ लगाया तभी चरखे का तकला उसके हाथ में चुभ गया और वह नीचे गिर गई। चौथी परी का श्राप अरोरा पे हावी हो गया। वह अब लंबी नींद में चली गई। तभी आर्या स्टॉक बोली, क्या करूं बच्ची, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। वो आर्या स्टॉक नहीं थी बल्कि मालेफिसेंट थी। तभी मालेफिसेंट गायब हो गई। कुछ दिन बाद राजा रानी वापस आ गए, लेकिन महल में अरोरा और आर्या को गायब देख परेशान हो उठे। तभी उनके खबरी ने उन्हें पुराने किले में अरोरा के होने की खबर दी। वे जब किले में पहुंचे तो अपनी बेटी की हालत देखकर उदास हो गए। उन्हें सारा माजरा समझ आ गया। वे उसे महल में ले आए और एक पलंग पे लिटा दिया। थोड़ी देर बाद रानी नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। तभी राजा के साथ भी ऐसा हुआ। ये सब मालेफिसेंट के श्राप के कारण हुआ। देखते ही देखते महल की चारदीवारी में खड़े सभी लोग मूर्छित हो गए। सारे देश में यह खबर फैल गई, लेकिन मालेफिसेंट के श्राप के डर के कारण कोई भी वहां आने से डरता था। 5 साल बाद कंधार के नरेश शकुनी के पुत्र रणविजय ने अपने पिता से राजा रानी की मदद करने के लिए इजाजत मांगी। शकुनी ने उसे इजाजत दे दी। वह घोड़े पे सवार होकर अरोरा के महल की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में एक जंगल था, वहां एक झोपड़ी देखकर राजकुमार रुक गया। तभी एक भयानक ड्रैगन प्रकट हुआ। उसके मुंह में ज्वाला जल रही थी।
एकदम ड्रैगन ने राजकुमार पे आग की लपटों की वर्षा कर डाली, जिसके कारण राजकुमार नीचे गिर पड़ा। ड्रैगन हवा में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद राजकुमार को होश आ गई और वो वापस महल की ओर बढ़ने लगा। जब वो महल की चारदीवारी के बाहर पहुंचा, तो लोगों को मूर्छित देख हैरान रह गया। तो ये बात सत्य है? वो किस्से कहानियां झूठी नहीं थी? राजकुमार फिर आगे बढ़ने लगा। वो राजमहल के बरामदे से होता हुआ राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। वहां सभी मूर्छित पड़े थे। तभी राजकुमार अरोरा के पास गया और उसके होठों को चूमने लगा। सच्चे प्यार भरे चुंबन ने अपना रंग दिखाया, मालेफिसेंट का श्राप टूट गया। राजकुमारी उठकर बैठ गई। आजा पिया तुम्हें प्यार तू, गोरी बैया तुम पे वार तू। थोड़ी ही देर में राजा की नींद टूट गई, वो उठ खड़ा हुआ। इसी तरह रानी के साथ भी हुआ। राजमहल की चारदीवारी के अंदर मूर्छित पड़ा हर शख्स जाग पड़ा। इस तरह राजकुमारी अरोरा और राजकुमार रणविजय का प्रेम एक नई बुलंदी छूने लगा। हरी गांव गांव जाकर खिलौने बेचा करता था। वो एक गांव के बाहर खिलौने रखकर आवाज लगाने लगा। खिलौने ले लो, खिलौने बच्चों के लिए, खिलौने सुंदर सुंदर खिलौने। चुटकी अपनी माँ के साथ स्कूल से आ रही थी। मम्मा प्लीज मुझे एक टॉय दिला दो ना। तुम्हारे पास पहले से ही तो इतने खिलौने पड़े हैं, और खिलौनों का क्या करोगी? नहीं मम्मा, वो मोटी वाला टॉय मेरे पास नहीं है। बिटिया इतनी जिद कर रही है तो आप इसे एक खिलौना दिलवा क्यों नहीं देते? ये तो अभी स्कूल से आई है, ये हमेशा ऐसे ही करती है। चल चुटकी घर चले। फिर चुटकी अपनी माँ के साथ चली गई। शाम को खिलौने वाला घर जाने के लिए जंगल के रास्ते गुजर रहा था कि तभी आज तो कुआं चलकर खुद प्यासे के पास आ रहा है। चुड़ैल खिलौने वाले के शरीर में घुस गई। घर पहुंचकर हरी ने खिलौने बरामदे में रख दिए और खुद घर के अंदर चला गया। हे भगवान, आज फिर खाली हाथ लौट आए। ये आपकी आंखें लाल क्यों हैं? कहीं आज दारू तो नहीं पिया है? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। फिर हरी सोने के लिए चला गया। अचानक वह आधी रात को उठ गया। मुझे ये काम करना ही होगा, नहीं तो मेरा अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। फिर वह बरामदे की ओर चला गया। उसके अंदर समाई चुड़ैल ने खिलौनों पे काला जादू कर दिया। आज चुटकी अपनी माँ से नाराज थी। देखो बेटा जिद नहीं करते, खाना खा लो मेरा बच्चा। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है मेरी माँ, जब खिलौने वाला आएगा मैं तुम्हें खिलौना दिलवा दूंगी। अब तो खाना खा लो, प्रॉमिस पिंकी, प्रॉमिस। फिर चुटकी ने सारा खाना खा लिया। अगले दिन हरी खिलौने लेकर फिर उसी गांव में चला गया। उसने बच्चों को सस्ते भाव में खिलौने दे दिए। बेटा जब भी तुम खेलोगे खिलौनों की आंखों में देखना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। उसने गांव के कई बच्चों को मुफ्त में खिलौने दे दिए। उस दिन जब चुटकी अपने खिलौनों से खेल रही थी तो अचानक वह गायब हो गई। इसी तरह बाकी बच्चे भी एक एक करके गायब होने लगे।
सारे बच्चे गायब होकर किसी सुनसान और डरावनी जगह पे पहुंच गए थे। तभी चुड़ैल गुफा के रास्ते वहां आई। मेरी गुफा में तुम्हारा स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। गायब हुए बच्चों के माता पिता गांव के सरपंच के पास अपनी फरियाद लेकर गए। मेरी बेटी मिल नहीं रही सरपंच साहब, खेलते खेलते पता नहीं कहां चली गई। और मेरा बेटा भी बिल्कुल ऐसे ही गायब हुआ है। क्या तुम्हें किसी पे शक है? मुझे खिलौने बेचने वाले पे शक है, क्योंकि मेरी बेटी खिलौनों से खेलते वक्त गायब हुई है। ठीक है बकिया, तुम मेरे साथ चलो, हम खिलौने वाले के घर जाकर देखते हैं। फिर सरपंच और बकिया खिलौने वाले के घर चले गए। तुम्हारा पति कहाँ है और तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं सरपंच साहब, मेरे पति 2 दिन से घर वापस नहीं आए, वो हमेशा जंगल के रास्ते आते थे। फिर दोनों खिलौने वाले को ढूंढने जंगल की ओर चले गए। जंगल में एक गुफा से पास उन्हें खिलौने वाले की लाश मिली, जिसे देखकर दोनों चकित रह गए। मुझे लगता है खिलौने वाले को इस गुफा वाली चुड़ैल ने ही मारा होगा। लेकिन इस चुड़ैल को तो तांत्रिक जी ने वश में कर लिया था। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो बच्चे बहुत बड़े खतरे में हैं। हमें तांत्रिक जी को दोबारा बुलाना होगा। फिर दोनों तांत्रिक डागा के किले में पहुंच गए। डागा जी, उस चुड़ैल ने बच्चों को कैद कर लिया है, शायद वो आजाद हो गई है। तुम चिंता मत करो, हमें सब मालूम है। आज ब्लू है पानी 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 आजा मेरी रानी, आज ब्लू है पानी 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 आजा मेरी रानी। फिर तीनों व्यक्ति गुफा के अंदर चले गए। तुम लोग यहीं रुको, मैं अपनी डार्लिंग से अकेला ही मिलूंगा। फिर डागा अकेला ही आगे बढ़ने लगा। वहाँ चुड़ैल हवा में उड़ रही थी। मेरी रानी, नहीं देखकर गई कोई छल्ला निशानी। तुम इतने जल्दी भूल गए, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। बड़ी मुश्किल से तो मैं आजाद हुई थी, अब तुम फिर से जादुई बोतल लेकर आ गए। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा टोलना, जल्दी जल्दी मेरे पास आ जा टोलना। मैं चली देखो प्यार की गली, कोई रोके ना मुझे, मैं चली। आओ रानी मिलके पढ़ेंगे प्रेम कहानी, नहीं तो दे गई चला। ये मेरा बैग गेयर किसने डाल दिया, मैं तो पीछे खींची चली जा रही हूँ। डागा ने चुड़ैल को बोतल में कैद कर लिया। उसने सरपंच को चुड़ैल के कैद होने की सारी कहानी सुना दी। चुड़ैल के कैद होते ही सारे बच्चे आजाद हो गए, वे सभी अपने अपने घर लौट गए। छुटकी भागती हुई अपनी माँ के पास गई और उससे लिपट गई। मुझे माफ कर दो मम्मा, बच्चों को कभी जिद नहीं करनी चाहिए, उन्हें हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, खुशी की बात है कि तुम सही सलामत हो।